हेलो फ्रेंड्स, आज हम नॉन वेज रेसिपी लेकर आए हैं। ये फेस पीस देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आज फिश बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम फिश फ्राई मसाला करी बनाएंगे। यहाँ पर हमने 1 kg रॉ फिश को अच्छे तरीके से धोकर ले लिया है और सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए आप किसी भी बर्तन में इसको इस तरीके से जमा दीजिए। ये देखिए, ये बोन पीस है, अभी फिलहाल तो मैं इसको हटा रही हूं। तो मैरिनेट करने के लिए यहां पर हमने थोड़े से नमक का इस्तेमाल किया है, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर का इस्तेमाल करना है और इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं डालना। और एक लेमन लेकर हाफ लेमन जूस हमने इसमें स्क्वीज कर देना है और बाकी पीसेस को भी इसमें डालकर इसको अच्छे से किसी फोक की मदद से उलट पलट कर देंगे ताकि सारे मसाले अच्छे तरीके से इस पर लग जाएं। और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट कर देंगे और तब तक हम एक कढ़ाई रखेंगे। हमने फ्लैट सरफेस कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इधर हमारी फिश भी मैरिनेट हो गई है तो पीसेस को इस तरीके से इसमें हम जमा देंगे। हमने फिश को शैलो फ्राई ही करना है और तेज आंच पे करना है क्योंकि बहुत जल्दी गल जाती है फिश। और फिश फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, ऐसा खाने वाले कहते हैं। मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, कोई खाए मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं बनाती हूं बस। तो जब एक साइड से हो जाए तो साइड आप फ्लिप कर दीजिए। देखिए बिल्कुल ये सफेद हो गई है और बहुत जल्दी पकने आती है, बहुत ध्यान से इसको आपने उठाना है वरना पीसेस टूट जाएंगे। तो इसी तरीके से आपने फिश को फ्राई कर लेना है, एक साथ ज्यादा नहीं भरना है, पीसेस टूटने का डर है। देखिए इस तरीके से पलट दीजिए साइड को। जी ये फिश तो हमारी फ्राई हो गई, उसी बर्तन में हम इसको निकाल लेते हैं और साइड में रखते हैं और इस ऑयल को हम वेस्ट नहीं करेंगे, फिश को हम इसी में बनाएंगे। कुछ हमने यहां पर खड़े मसाले लिए, खड़े मसालों में हमने 2 तेज पत्ता, 1 साबुत लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची और जीरा और थोड़ा सा मेथी दाना और सौंफ का भी इस्तेमाल किया है और ये साबुत धनिया भी दौंच कर डाला है और क्रश्ड गार्लिक डालेंगे इसमें और साथ ही में हमने 1 inch जिंजर को ग्रेट करके रखा था उसको भी ऐड करके सौते करेंगे। और थोड़ा सा नमक साथ में ऐड कर देंगे ताकि ये नीचे से चिपके ना और जो चिपक गई है तलते वक्त वो भी अलग हो जाएगी बर्तन से। और फ्रेंड्स, ये साथ में हमने अनियन प्यूरी करके रखा था उसको भी डालकर हम इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे लो फ्लेम पर। आपका मसाला अच्छे से भुना होना चाहिए, कच्चा फ्लेवर नहीं आना चाहिए उसमें। तो जब ये गोल्डन होने आए, यहां पर देखिए ये कच्ची हल्दी मार्केट में इस वक्त पर खूब आ रही है, उसको भी ग्रेट करके हम डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से होती है ये जिंजर की तरह, तो इसका एक अलग ही फ्लेवर आएगा और कलर तो देगी ही, टेस्ट और कलर इससे अच्छा हो जाएगा। और हमने एक बड़ा टमाटर लेकर प्यूरे करके रखा था उसको भी ऐड कर देंगे। और फिश में आप याद रखिएगा कभी भी दही का इस्तेमाल नहीं होता है। तो हमने खट्टाई के लिए लेमन डाला था, फिर हमने एक टमाटर डाल दिया और हरी मिर्चें हमने इस तरीके से कट करके रखी थी बारीक बारीक, उनको भी ऐड कर देंगे। और
और मसाला को कंटिन्यूअसली आप चलाते रहें, जलना नहीं चाहिए। और इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब सूखे मसाले डालेंगे। सूखे मसालों में हमने हाफ स्पून देगी मिर्च और लाल मिर्च, पिसा धनिया और गरम मसाला और कलर देने के लिए देगी मिर्च का इस्तेमाल किया है। और यहां पर हम कटा हुआ हरा धनिया भी डालेंगे। और अच्छा, हरा धनिया ना सिर्फ गार्निश के लिए ही नहीं होता, इस वक्त पर भी अगर आप डाल देंगे ना तो बहुत एक अलग सा ही फ्लेवर आएगा। देखिए रंगत, देखिए करी की, हमारे मसालों का कलर देखिए आप। और थोड़ा सा इस वक्त पर पानी डालेंगे ताकि सारे मसाले आपस में अच्छे तरीके से मिल जाएं। और जब मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है तो ये फ्राई की हुई फिश को, पीसेस को हम बड़े ही आराम से उठाकर इसको रख देंगे। फिश बहुत जल्दी गल जाती है। और इस तरीके से मसाला ऊपर से डालेंगे क्योंकि वो कहते हैं ना कि मछली को हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, यानी बहुत जल्दी पीसेस इसके टूट जाएंगे। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, ज्यादा नहीं हिलाना है। और अगर आपको करी चाहिए तो आप इस वक्त पर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसको ध्यान से इसको चेक कर लीजिए। ये देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। और फोक की मदद से इस तरीके से चेक कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गई है ये। और चलिए सर्व करते हैं, किसी बाउल में इसको सर्व कर लीजिए। और राइस और चपाती के साथ सर्व करें, चॉइस आपकी। तो चलिए, रेसिपी पसंद आए तो आप बनाएं, बनाने के बाद अपना फीडबैक देना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन एंजॉय फिश फ्राई मसाला करी।